सो हेलो व्यूअर्स, और आज हम आ चुके हैं अपनी नई वीडियो के साथ, और हम आपको ले जा रहे हैं पीएम म्यूज़ियम में वर्चुअली। सो ये म्यूज़ियम बेसिकली 14 अप्रैल को खुला था और हम 11 जून को यहाँ गए थे। सो यहाँ पर मतलब इंडिया के जितने भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और जो करंटली मोदी जी है उनको मिला के सारे पीएम्स के अपॉन ये बेस्ड है म्यूज़ियम। सो या लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। एंड वन मोर रिमाइंडर, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को। एंड हियर वी रीच द पीएम म्यूजियम। ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है इधर गार्डन सारा, और ये सामने म्यूजियम है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। सबसे पहले तो हम लोगों को मोबाइल्स एंड एयरफोन्स या फिर हेडफोन्स मिले गाइड के लिए। देख सकते हैं आप, इधर स्टार्ट हो चुके हैं हमारे इंडिया का फ्लैशबैक। लेट्स गो टू द हॉल वेयर वी कैन नो सम अबाउट मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन।
एंड सो आफ्टर दिस वी वेंट टू हाउ इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक. सो लेट्स गेन सम नॉलेज. आगे की वीडियोस तो बहुत लंबी होने वाली है, 40-45 मिनट की, अगर हमने एक ही वीडियोस बना रखी हैं, क्योंकि इधर ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जितनी चीज़ें दिखा नहीं सकते क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे. बट या आप उधर ज़रूर जाइएगा कभी अगर आपको टाइम मिले, और अगर किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. हमारे अकाउंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. सो जैसा मैंने बोला था, आप लोग भी बोर हो सकते हैं, तो या अब हम चलते हैं म्यूज़ियम के नेक्स्ट पार्ट में. सो अभी हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिविंग रूम और कौन सा था, स्टडी रूम को देख कर आए हैं. जवाहरलाल नेहरू गैलरी में एंटर कर दिया है. ये तोशखाना है, यानी जहाँ पर गिफ्ट्स को सजाकर रखा जाता है. इंडिया के 4 पीएम्स के गिफ्ट्स इधर, जो और कंट्रीज से उन्हें गिफ्ट मिल रखे हैं, वो इधर एज अ शोपीस रखे गए हैं. आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं. और वो 4 पीएम कौन कौन हैं उनके नाम मैं आपको आगे बताऊँगी. सो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखिएगा.
अनदर पार्ट ऑफ द म्यूजियम। ये देखिए हम दूसरे पार्ट में आ चुके हैं। और इधर डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख रखा है और उनके द्वारा कहे गए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स भी हैं। और ये है फोटो सेक्शन जहाँ पर हम लोग अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। एंड नाउ वी आर गोना वॉक विद आवर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर। और ये है यूनिटी चेन। और अब हम लोग जाने वाले हैं इस म्यूजियम की सबसे इंटरेस्टिंग जगह अकॉर्डिंग टू मी आल्सो नॉट टू मेंशन। ओके, तो ये है एक बहुत ही असल जगह। सो लेट्स गो टू फ्यूचर। ओके, हमने चंद्रयान सिलेक्ट किया। वर्चुअल है वो, कैसे चल रहा है? वर्चुअल हम एक ही जगह खड़े हैं। और क्या, आप अगल बगल में देखो नीचे, मतलब हमें इसे वर्चुअल वॉल चल रही है। हम कहीं नहीं है, हम एक ही जगह है। ये तो भैया ही है, हम बस ये हिल रहा है। अरे आगे चल रही है, आगे चल रही है दीवार। ये भी हल्का हिल रहा है। ये सिर्फ ये हिल रहा है अपने जगह। ओ माय गॉड, पानी भर 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। ये मजेदार है।
हल्का फुल्का ये अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। ये तो मजेदार है। सीट बेल्ट बांधी हुई है। अब हम गुजरात में आगामी धोलेरा स्मार्ट सिटी के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं। त्रिशूर पीछे रहो। एक प्राचीन नगर पत्तन से भारत के पहले भविष्य के नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के साथ एक स्थायी भविष्य के शहर तक। ये फ्यूचर का प्लान है। ये क्या हो गया? ऐसे रहे पीछे बैठ। उसे डर लग रहा है। देखो आगे कहाँ जा रहे हो। फ्यूचर सिटी है गुजरात की। जैसे तो भैया रोज है ना? ऐसे बनेंगे। मेरे सर में सच में इफेक्ट पड़ रहा है। वीडियो बना रहा है कोई? कश्मीर पहुंच गए जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। देखो त्रिशूर ब्रिज, देखो ब्रिज बजा रहा है हेलीकॉप्टर में। ओ माय गॉड। अटल टनल। अटल टनल मैं जा रखा हूँ यहाँ। ये मूव कर रहा है थोड़ा थोड़ा। हिमाचल में है ना ये? हाँ डैडी जा रखे हैं। बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। ये लद्दाख को उमेसा कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। वो गाड़ी से जाते हैं, हम हेलीकॉप्टर से जाते हैं। जम्मू और कश्मीर में 14.2 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग समुद्र तल से लगभग 3,500 मीटर ऊपर हिमालय में जोजिला दर्रे के नीचे बनाई जा रही है। हम दोनों ड्राइवर थे। आशा है कि आपने भारत के कुछ सबसे नवीन विकास कार्यों पर आधारित इस रोमांचक सवारी का आनंद लिया होगा। चलो पिक्चर खत्म हो गई। चलो चलो फिर से बैठ। 6 मिनट नहीं हुए हैं। चलो फिर से बैठ। 6 मिनट नहीं हुए हैं। ओके फोटो खींचे। फोटो यार दिस वाज ऑसम। और अब हम लोग फीडबैक देने आए हैं। और अभी हम लोग म्यूजियम के टॉप फ्लोर में आए हैं। ये देखिए इधर। Oh,
एंड अगेन ये एक और तोशखाना है। प्लस इधर पर कुछ लेटर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर्स और हेड्स के द्वारा दिए गए हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जय जवान जय किसान के प्रॉप्स। और ये जब म्यूजियम की एग्जिट होती है तो उधर यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की एम्बेसडर कार रख रखी है। एंड या ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है बट या ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आशा करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप इस जगह पर ज़रूर आना, और जैसे कि मैंने कहा था आप हमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना है। और प्लीज़ गूगल में अपने रिव्यूज़ इसके बारे में ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट व्लॉग गाइस, प्लीज कीप वेटिंग फॉर आवर व्लॉग्स।